नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। गैरसैंण का किया दौरा। पलायन रोकने के कामों को सराहा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव करण कल मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। डोईवाला शुगर मिल में तैयारियां पूरी। 21 नवंबर से चालू होगा गन्ना पेराई सत्र। किसानों ने की 700 रुपए प्रति क्विंटल की मांग। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते नशा कारोबार पर नकेल। कई केमिस्ट शॉप पर रेड। दो मेडिकल स्टोर सीज। ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। और रामनगर की दाबका नदी में खनन कार्य हुआ शुरू। पहले दिन दो वाहनों को टोकन से दिया गया प्रवेश। मॉनसून सीजन के दौरान बंद था काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बता दें यह सम्मेलन नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर रहा। किस तरह कृषि, पर्यटन और उत्तराखंड की भूमि में होने वाली वनस्पतियों को जरिया बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें, इसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश और प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी शिरकत की, साथ ही कार्यक्रम में अपने विचार भी साझा किए। इस कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकलकर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएँ हैं, वो इसके सामने कार्यक्रम हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु आयोग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला से समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। जब यहाँ पर अब बैठेंगे, चर्चाएँ होंगी तो कुछ नीतियाँ बनेंगी। कोई भी चीज़ बिना नीति की नहीं हो सकती। और अच्छी नीति बना के, जिस तरीके से पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में बच्चों को स्किल किया गया है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी गई है, उत्तराखंड को एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ाया गया है, उसी तरीके से नई नीतियाँ बना के हम जो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को स्किल करने के लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गैरसैंण के दौरे पर रहे। यहां पर सारकोट गांव में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गांव वालों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने पलायन को रोकने के और पर्यावरण को बचाने के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहां विकास के बहुत काम होंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हर ग्राम सभा हमारी मजबूत होनी चाहिए, विकास की दृष्टि से हर प्रकार का विकास वहां पहुंचना चाहिए। और चूंकि मुझे आज
आपके बीच में आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछली बार आया था तो हमारे शहीद उनके स्मरण में उनको श्रद्धांजलि देने आया था, उनके परिवार में आया था, लेकिन कल रात्रि को मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूँ। इतने नज़दीक आप सब लोग भराड़ी सेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है और ये अत्यंत निकट का गांव ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण 20 नवंबर यानी कि बुधवार को होने वाला है। इसमें मतदान 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। केदारनाथ सीट जुलाई 2024 में शैलानानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। 90,000 से ज्यादा मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। बता दें उत्तराखंड बनने के बाद 5 विधानसभा चुनावों में 4 बार महिलाओं को जीत मिल चुकी है। केदारनाथ उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। कुल मतदाता 90,875 हैं। इनमें 45,956 महिला और 44,919 पुरुष मतदाता हैं। 2,849 सर्विस वोटर हैं। 1,092 दिव्यांग मतदाता हैं। कुल 173 बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आशा नौटियाल 2 बार और मनोज रावत पहले भी विधायक रह चुके हैं। और इस वक्त देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कुछ ही घंटे बचे हैं, ये कहा जा सकता है कि लगभग 12-13 घंटे बाद सुबह अगर हम बात करें तो सुबह पूरी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज सांसें रुकी हुई हैं कांग्रेस और बीजेपी के, न सिर्फ उन प्रत्याशियों की बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भी जिन्होंने पूरा जोश लगाया है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। फिलहाल कल के मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो पहले का रिकॉर्ड तोड़ सके? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर 18 तारीख को जो है शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया था और इसके बाद से जो दोनों पार्टियां हैं वो अब सोशल मीडिया के जरिए कहें या फिर किसी से मिलकर इस तरीके से प्रचार अपने आप में कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई, यानी कि जो 173 पोलिंग बूथ थे उनमें से 7 दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें 18 तारीख को ही निर्वाचन आयोग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में भेज दिया गया था। उसके अलावा 166 पार्टियों को आज भेजा गया है। वहीं अगर वोट की बात करें तो कुल 90,000 से अधिक वहां पर मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि उस क्षेत्र में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अधिक मतदाता हैं मतदाताओं की संख्या है वो महिला मतदाताओं की संख्या है, यानी कि पुरुष के मुकाबले वहां पर महिला मतदाता हैं और ऐसे में जो है महिला मतदाता वहां पर निर्णायक मोड़ में रहने वाली है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि उत्तराखंड में जो 5 विधानसभा चुनाव अब तक हुए हैं उनमें से केदारनाथ विधानसभा सीट पर 4 बार महिला मतदाताओं ने ही उस क्षेत्र का विधानसभा में चुनकर आई है उस क्षेत्र से। 2002 की बात कर ली जाए, 2007 की बात कर ली जाए तो आशा नौटियाल वहां पर विधायक रही, 2012 में शैला रानी रावत वहां पर विधायक रही, 2017 की अगर बात कर ली जाए तो मनोज रावत वहां पर जो है विधायक रहे और इसके बाद 2022 में फिर शैला रानी रावत वहां से विधायक रही थी। उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और अब जो है दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए या भाजपा की, दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। दोनों जो है भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, जो केदारनाथ में निर्माण कार्य कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको लेकर इस चुनावी मैदान में उतरी है। और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस आपदा के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है कि किस तरीके की किस तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ जो है वर्तमान सरकार ने साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, आपदा के मुद्दे हैं, इनको लेकर भी चल रहे हैं। और दोनों में अगर
बात कर ली जाए तो ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है इस बार, क्योंकि अयोध्या चुनाव बीजेपी हार चुकी है, बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी है, ऐसे में केदारनाथ विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुनर्निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, पीएमओ इस पुनर्निर्माण कार्य की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है कि केदारनाथ विधानसभा चुनाव किसी भी हालत में उनको जीतना है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पिछले दो चुनाव जो उत्तराखंड में हुए थे, चाहे मंगलौर सीट की बात कर ली जाए या बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, तो दोनों उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस जो उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में भी पूरा जोश है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को भी लेकर जो चुनावी रण में उतरी थी। अब 20 तारीख जो है वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है, जनता किस पर मोहर लगाएगी इसकी तो जो है मतगणना के बाद, जब 23 नवंबर को मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था और इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात कर ली जाए या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुजराल की बात कर ली जाए या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता से विधायक हैं प्रीतम सिंह, उनकी बात कर ली जाए तो ये पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरे थे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता रहा। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण सीट इसलिए कही जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री का जब से वहां दौरा हुआ है उसके बाद से खुद वहां पर विकास को लेकर और पुनरुद्धार को लेकर, पुनर्निर्माण को लेकर मॉनिटरिंग वहां से चली आ रही है। खैर, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं वहां पर, अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इस सीट को लगातार अपने पास ही रखे क्योंकि पिछली बार बीजेपी की प्रत्याशी वहां पर विधायक बनी थी, और कांग्रेस इस बार ये कोशिश करिए कि इस सिलसिले को तोड़ा जाए। फिलहाल देखा जाएगा कल मतदान जब होगा तो किस तरह का रुख सामने आता है। उससे पहले अगर मतदान दलों की बात करें तो जो दूर के पोलिंग सेंटर्स हैं उनके लिए जो पोलिंग एजेंट हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, उनको रवाना कर दिया गया है। बाकी अब धीरे धीरे रवानगी हो रही है। कुल 173 बूथ हैं जिन पर कल मतदान होगा। हरिद्वार जिले के ग्रामीण इलाकों में नशे के कारोबार की बढ़ती शिकायतों पर ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने नसीरकुल कलां, इसके अलावा बादशाहपुर, कुन्हारी और सुल्तानपुर गांवों में कई मेडिकल स्टोर्स पर छापामारी की। इस दौरान दवाओं का गहन निरीक्षण किया गया और दो मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें तत्काल बंद करवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि जिन स्टोर मालिकों ने जांच से बचने के लिए अपनी दुकानें बंद की हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। दौरा पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पर गई और हमने वहाँ पर विजिट किया, कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फिलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा पदार्थ में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोईवाला में शुगर मिल के 21 नवंबर से शुरू होने वाले गन्ना पेराई सत्र को लेकर मिल प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शुगर मिल पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। वहीं राज्य किसान सैनिक एकता मंच से जुड़े किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ने का मूल्य किसानों को 700 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, उत्तराखंड सरकार को भी बधाई दूंगा कि नया सत्र गन्ने का 2025 का शुरू हो रहा है और 21 तारीख से शुरू हो रहा है, इसकी चिट्ठी भी आ गई। हमारा मानना है राज्य किसान सैनिक एकता मंच कि गन्ने का जो मूल्य है वो आज के हिसाब से हम चाहते हैं जिस प्रकार से उसमें दवाई कोरिजन और गन्ने को बांधना
और उसमें किसान द्वारा पानी लगाना, उसकी देखभाल करना और बरसात के मौसम अंधाधुंध बारिश होने के बाद गिरने से बचाना, उसके हिसाब से हमने 700 रुपये प्रति क्विंटल की मांग उत्तराखंड सरकार से की है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक पर एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें, परिजन के अनुसार गर्भवती महिला को आज सुबह परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने यहां पर उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद परिजन को जच्चा और बच्चा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अचानक से महिला की हालत बिगड़ने पर बिना परिजन को सूचित किए उसे एम्बुलेंस से हायर सेंटर भेजा जा रहा था। जब परिजन ने एम्बुलेंस में जाकर देखा तो महिला की सांसें नहीं चल रही थी। इस पर परिजन का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफर कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने तो बॉडी में कुछ नहीं, कब लेके आए थे? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे। कब लेके आए थे आप? सुबह। क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी डॉक्टर पे है, गोली लगा है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं था, डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हम? तो यही चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अभी यहाँ मौजूद नहीं, कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है, के रहने वाले। हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे एम्बुलेंस में से, वो अपने आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे। कह रहे नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। तो हमने बोला दौरे पहले भी पड़े? नहीं, हमने कहा कोई दौरे नहीं पड़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो जाएगा इसके दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताई, लड़की हुई। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। इससे पहले इलाज नहीं चला था? नहीं। यहाँ कैसे लेके आया सर? यहाँ मैंने एक लड़का, सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट, उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाले डायमंड हॉस्पिटल में। और मॉनसून सीजन के खत्म होते ही दबका और कोसी नदी में खनन को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। आज दबका नदी में खनन कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें, वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दबका नदी के खनन निकासी गेट पर आज रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। एसडीओ मनीष जोशी ने बताया कि आज से दबका नदी में खनन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम और वन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद ये गेट आज से खनन कार्य के लिए खोल दिया गया है। दबका नदी में 154 वाहन पंजीकृत हैं। पहले दिन 2 वाहनों ने टोकन लेकर नदी में खनन के लिए प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि दोनों विभाग खनन कार्य को अपने कर्मचारियों के साथ आपसी सामंजस्य बनाकर करेंगे और वैध तरीके से ही काम किया जाएगा। अगर अवैध खनन की शिकायत विभाग को मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत प्रतीक्षित था ये नदी खुलने के, सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो आज से दबका नदी का जो हमारा गेट है वो स्टार्ट हो गया है और वन विभाग और कॉरपोरेशन दोनों हम लोग मिल करके पारस्परिक सामंजस्य से वैध तरीके से पूरा खनन प्रक्रिया हो ये करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी जो खराब इंसिडेंट है या अवैध घटना है वो ना हो और प्रॉपर तरीके से सारा काम चले। लक्सर में तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुना। तहसील दिवस के दौरान लक्सर और खानपुर के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में नदारद रहने वालों पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि सभी शिकायतों के निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक, क्योंकि अभी 1 बजा नहीं है, अभी तक हमारे पास सभी शिकायतें प्राप्त हुई है और सारी शिकायतें ऐसी शिकायतें हैं जिसको फील्ड में जाके वेरीफाई करके ही उसका निस्तारण किया जा सकता है। तो जो संबंधित जो शिकायत है, संबंधित जो विभाग है, उनको निर्देश दे दिए हैं कि वो फील्ड में जाएंगे और उसका निस्तारण करेंगे। रही बात नदारद की, उसका हमने उपस्थिति ली है और जो भी अनुपस्थित पाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में बारात के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा बैग लिया और फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के पास दूल्हे का पिता पैदल जा रहा था, मौका देखकर बदमाश बैग पर झपट्टा मारे और उसे लेकर भाग गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कल रात एक शादी में एक व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानों के दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितनी नकदी थी सर उसमें बताया गया है अनुमान के आधार पर पीड़ित के द्वारा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें जिस तेजी से घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या जो घटना में शामिल लोग हैं वो पूर्व से रेकी कर रहे थे या पहले से ही वहां खड़े थे, ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। डोईवाला के सौंग नदी तट पर नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित मोक्ष धाम के संचालन और उचित रखरखाव के लिए समिति का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका परिषद डोईवाला के सभागार में स्थानीय नागरिकों की एक बैठक हुई। इसमें नवनिर्मित मोक्ष धाम के संचालन के लिए नागरिकों से सुझाव लिए गए, जिसमें सर्वसम्मति से ईश्वर चंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।